इमल्शंस दोस्तों, इमल्शन हमारे बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको आपस में मिक्स किया जाता है, ठीक है। इसमें एक लिक्विड होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा लिक्विड होता है कंटिन्यूस फेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टू इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स कैसे कर सकते हैं हम। देखो, जब वो लिक्विड आपस में इमिसिबल हैं तो हम उन्हें मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें डिस्पर्स कर सकते हैं। डिस्पर्स का मतलब क्या? डिस्पर्स का मतलब कि एक लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस होएगा, मतलब कि उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में वो टूट जाएगा, ठीक है, और दूसरा लिक्विड हमारा कंटिन्यूस फेज होगा जो कि बाहर रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर ये डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स तैरते रहेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे अब इस डायग्राम में देख सकते हो, तो ये जो बाहर का जो मीडियम है, ये सारा मीडियम हमारा वाटर है, ठीक है। तो वाटर क्या है हमारा? डिस्पर्स्ड मीडियम। वहीं अगर डिस्पर्स्ड फेज की बात करें तो डिस्पर्स्ड फेज हमारी ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं जो वाटर के अंदर तैर रही है, ये इसमें इसके आसपास सारा वाटर है, ठीक है। तो लिक्विड की ये ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स जो वाटर के अंदर तैर रही हैं ये हमारी डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक। तो इमल्शन बनाने के लिए हमें जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसका जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स होती हैं उनका साइज हमें 0.1 से 100 माइक्रोमीटर तक रखना होता है, ठीक है। तो जो साइज़ होता है इमल्शन में ड्रॉपलेट्स का जो साइज़ होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक का होता है,